अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल। बात करेंगे जी आज की कुछ अहम खबरों के मतलब। 15 जनवरी 2023 और इतवार का दिन है। दो बड़ी सोचना खबरें हैं। एक तो पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ नेपाल में, जिसमें 72 लोग थे टोटल, जबकि 40 लोगों की मौत की भी इतला है। अल्लाह खैर फरमाए। और मस्कत में एक आग लगने का वाक़ा पेश आया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जो है हेरिटेज टूरिज़्म, उन्होंने कुछ जगहों पर विज़िट करने की फ़ीस का ऐलान किया है। मोटा मोटा सा जो है ना आपको वो बता देते हैं कि जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, टूरिस्ट साइट्स हैं, उसके अलावा किला जात वगैरह, जो किले वगैरह जो विज़िट करते हैं, या दीगर जो सकाफती प्लेसेस हैं, उनको देखने के लिए फ़ीस का ऐलान किया है। और फ़ीस क्या है, GCC सिटीज़न जो हैं उनके लिए थोड़ी कम है, ओमान में जो खारजी हैं उनके भी कम है, और जो टूरिस्ट जो स्पेसिफिक टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं टूरिज़म पर, उन अगर वो जाते हैं वो साइट्स देखने, तो उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा है। मिनिमम फ़ीस जो 200 पैसा है, बच्चों की 500 है, उसके बाद बड़ों की 1 रियाल और 2 रियाल है। लेट्स सपोज हम ओमान में लोकल नहीं हैं ना, हम GCC से आ रहे हैं, हम दूसरे ममालिक के हैं, एक्सपैट्स हैं, हम इधर खारजी हैं, तो हमारी फ़ीस बच्चों की जो 500 पैसा होगी और बड़ों की 1 रियाल है। यह सीन है जी। और बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए। फेस्टिवल के हवाले से पहले मैंने खबर डाल दी थी, और जो दोस्त कहते हैं भाई वीडियो बड़ी लंबी होती, वाकई वीडियो लंबी हो जाती उस्ताद जी, क्योंकि थोड़ा हूँ प्यार वही जा रहा है, इसलिए बीच में जो ना हम फिर तुसी कह रहे हो ना नौटंकी, तो हम नौटंकी भी करते हैं। पाए हूँ सुकून है। ये मैसेज सिर्फ एक बंदे के लिए था। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।